नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया ही होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं Xiaomi प्रोडक्ट के ऊपर। जो लोग Xiaomi का प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं तो फ्रेंड्स यह वीडियो उनके लिए है। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विनय राजपूत और स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बनाने का मोटिव क्या है वो आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा। तो फ्रेंड्स आइए जानते हैं कि वीडियो के अंदर क्या है। तो फ्रेंड्स, आप लोग जैसे कि जानते हैं कि हमारे सोसाइटी में आसपास जितने भी लोग रहते हैं वो सब लोग Xiaomi के साथ प्रोडक्ट यूज करते हैं। तो Xiaomi का प्रोडक्ट यूज करते हैं फ्रेंड्स, तो उनको कभी थोड़ा सा भी गौर करना तो वो लोग वही बस सिंपल तरीके से अपना मोबाइल फोन जो भी होता है उसको यूज करते हैं। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि आप प्रोफेशनल तरीके से मोबाइल को कैसे यूज कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर देना और नए चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना यार, और बेल आइकन के बटन को दबा देना ताकि हमारा नया नया अपडेट जब भी आए तो आपको मिलता रहे। बिना किसी बकवास के वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप मेरे पास एक Xiaomi Poco का डिवाइस, और इसमें मैं आपको आज ये फीचर्स बताने जा रहा हूँ कि कैसे यूज करना है कुछ प्रोफेशनल सेटिंग्स। तो फ्रेंड, इसके लिए आपको करना क्या होगा, सिंपली अपनी सेटिंग को ओपन करना होगा, और सेटिंग ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का विंडो सामने खुलकर आएगा। उसके लिए आपको नीचे जाना होगा थोड़ा, और यहाँ पर देख सकते हैं आपको एडिशनल सेटिंग मिलेगी। एडिशनल सेटिंग को ओपन कर लेना है, और इसको ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ बटन शॉर्टकट का ऑप्शन दिख रहा होगा। बटन शॉर्टकट के ऑप्शन पर क्लिक करके फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हैं काफ़ी सारा इस तरह का कुछ इंटरफेस सामने आएगा, और यहाँ पर काफ़ी सारे फीचर्स दिए होते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर से लंच कैमरा टेक स्क्रीन शॉट लंच गूगल असिस्टेंट टर्न ऑफ स्क्रीन टर्न ऑन टॉर्च क्लोज करें टाइप ओपन स्पीड ऐसे वगैरह वगैरह काफ़ी सारे फीचर्स आपको दिए होंगे। आपको कुछ फीचर्स आपको बताए दिए जा रहे हैं जो काफ़ी आपकी सोसाइटी में काफ़ी यूजफुल और अट्रैक्शनदार होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टर्न ऑफ स्क्रीन का फीचर्स, यहाँ पर आप क्लिक करने के लिए आपको सिंपली, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग बैक बटन पर यूज करते हैं, तो बैक बटन पर क्लिक करने के बाद आप सिंपली यहाँ पर देख सकते हैं हम बैक बटन को प्रेस करते हैं तो ये क्या हुआ, हमारा डिवाइस तो लॉक हो गया। तो ये भी फीचर्स काफ़ी सिस्टम जो है सेटिंग काफ़ी यूज़फुल है और अट्रैक्शनदार रहती है। तो इसमें हम फिर से लॉक ओपन कर लेते हैं अपना, और यहाँ पर देख सकते हैं ये सेटिंग करने के बाद आपको काफ़ी, जैसे आप कहीं किसी जगह पर बैठे हैं और अपना सिंपली मोबाइल ऐसे रखते हो और ऐसे करके ऑफ़ कर देते हो तो किसी को पता भी नहीं चलता कि कौन सा बटन दबा है जो ऑफ़ हो गया। उसके बाद आपको दूसरी सेटिंग बताए दे रहे हैं, वहाँ पर से आपको वहीं पर फिर से जाना होगा और बैक करना होगा। यहाँ देख सकते हैं टर्न ऑन टॉर्च का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना होगा और होम बटन पर क्लिक करना होगा। आपको होम बटन लगाना होगा और इस पर होम बटन को प्रेस करते हैं। इसको प्रेस करने के बाद देख सकते हैं कि हमारी फ्लैश लाइट जो है वो ऑन हो चुकी है। और तो यहाँ पर से देख सकते हैं मैंने फिर से इसी को प्रेस किया तो ये हमारी जो फ्लैश लाइट है वो बंद हो चुकी है। काफ़ी सारा अच्छा अच्छा फीचर्स है। तो यहाँ पर क्लोज करंट टाइप है, ओपन स्प्लिट स्क्रीन, तो अपनी वजह अपने सिस्टम के अनुसार इसको अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं। तो ये भी ट्रिक काफ़ी यूजफुल और अट्रैक्शनदार है। तो फ्रेंड, जाते जाते एक फीचर्स मैं आपको और बताने जा रहा हूँ, तो इसको भी देख लीजिए, इससे ज़्यादा नहीं तो आपका डिवाइस थोड़ा तो स्मूथ और फास्ट हो ही जाएगा। तो इसके लिए आपको सिंपली सेटिंग को ओपन करना होगा, और सेटिंग ओपन करने के बाद यहाँ एडिशनल सेटिंग को ओपन करना होगा। इसको ओपन करने के बाद एसिबिलिटी ओपन करना होगा, और इसके बाद विजन पर जाना होगा। यहाँ पर देख सकते हैं विजन लिखा है, तो विजन पर जाने के बाद आपको देख सकते हैं यहाँ रिमूव एनिमेशन का ऑप्शन मिलेगा, ये सेटिंग आपकी ऑफ रहेगी और इसको सिंपली ऑन कर लेना है। इसको ऑन करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपका डिवाइस ज़्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ तो फास्ट वर्क करने ही लगेगा। तो फ्रेंड्स, ये ट्रिक तीनों काफ़ी अच्छी और बेहद यूजफुल है, तो इन ट्रिकों को आप भी अपने डिवाइस में करके इन ट्रिकों का मजा ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि मेरा मोबाइल फ़ोन है जो है Xiaomi Redmi का, और इसमें आप देख सकते हैं मैंने टोटली आईफोन वाला फीचर सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है। तो ये कैसे करते हैं इसको देखने के लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वाली ट्रिक चाहिए तो मैं आपके पास ये वाला वीडियो बनाकर ज़रूर अपलोड करूंगा। आप देख सकते हैं कि टोटली ज़्यादा सिस्टम है जो भी है वो सारा आईफोन जैसे, यहाँ पर देख रहे हैं 14 iOS 14 बीटा प्रो, ये सब सारा सिस्टम यहाँ पर ऐसे लिख के आ गया। ये काफ़ी अच्छे से स्मूथली वर्क करता है ये ऐप, और इसको अगर ये वीडियो देखना है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और मैं इस वीडियो को जल्द से जल्द आपके पास बनाकर भेज दूंगा। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा हमारा वीडियो, अगर वीडियो में एक भी पॉइंट आपने नया सीखा हो तो फ्रेंड वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे की बटन को जरूर दबाएं ताकि हमारा नया नया अपडेट आपको तुरंत मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तो जय हिंद।